यरोमन अन्यंग अश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको BTS मेंबर J-Hope के न्यू सॉन्ग आर्सन के बारे में तो पता चल ही गया होगा, जो कल 15 जुलाई को रिलीज हुआ। अगर आपने अभी तक ये सॉन्ग नहीं सुना तो जाइए और उस सॉन्ग को सुनिए, क्योंकि ये सॉन्ग भी BTS के बाकी सॉन्ग की ही तरह एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। लेकिन आज मैं यहाँ आपको J-Hope के सॉन्ग के बारे में नहीं, बल्कि J-Hope के जैक इन द बॉक्स प्री रिलीज पार्टी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 2 दिन पहले 14 जुलाई को J-Hope ने अपने दोस्तों और कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ एंजॉय की। तो हम आपको इस मजेदार न्यूज के बारे में बताएं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप BTS की हर एक न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर BTS मेंबर्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें जैक इन द बॉक्स और वेयर इज सुगा लगातार ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इस पार्टी को देखकर समझा जा सकता है कि एक बड़ी पार्टी थी, जिसमें BTS मेंबर्स के साथ साथ बांग पीडी, जैसी, चाइनू, बिग बैंग्स और कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस भी नजर आए, जिसमें हमेशा की ही तरह BTS मेंबर वी ने सबका अटेंशन गेन किया, क्योंकि वो कोरियन सिंगर और सॉन्ग राइटर हेज के साथ डांस करते नजर आए। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि हेज कोरिया की कुछ बड़ी सोलो सिंगर्स में से एक हैं, और आपने भी कभी ना कभी उनका कोई ना कोई सॉन्ग जरूर सुना होगा। इसके अलावा हमारे BTS लीडर RM ने कोरियन एक्ट्रेस उम जोंग वा के साथ भी सेल्फी शेयर की, जिन्हें आपने रिसेंटली IK ड्रामा अवर ब्लूज में देखा होगा। और आप सभी चाइनू को तो जानते ही हैं, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि वो BTS मेंबर्स के काफी क्लोज फ्रेंड हैं, जो हमें इस पार्टी में भी नजर आए। हालांकि इतनी शानदार पार्टी में आर्मी को सुगा कहीं नजर नहीं आए, इसलिए आर्मी ने उन्हें काफी मिस किया और सभी यही पूछने लगे कि वेयर इज सुगा। जिसके बाद कल सुगा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें 2 दिन से फीवर आ रहा था और वो सोच रहे थे कि कहीं ये कोविड ना हो, इसलिए उन्होंने पार्टी में ना जाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो J-Hope के लिए काफी खुश थे, साथ ही उन्होंने पार्टी को भी काफी मिस किया। दोस्तों, वैसे तो ये पार्टी J-Hope की न्यू सोलो एल्बम को लेकर रखी गई थी, लेकिन इस पार्टी में कई कोरियन एक्टर और एक्ट्रेस को देखे जाने के बाद ये कहा जाने लगा कि BTS मेंबर्स जल्दी किसी के ड्रामा में नजर आ सकते हैं, इसलिए ही वो आजकल के ड्रामा आर्टिस्ट के साथ इतना नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि BTS मेंबर्स के ड्रामा को लेकर ना ही कोई अनाउंसमेंट की गई है और ना ही ऐसी कोई हिंट दी गई है, ये तो बस कुछ आर्टिकल्स में कहा गया है। तो अभी आप इस न्यूज पर ट्रस्ट मत करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो हमेशा की ही तरह आपकी ओनली आपको अपडेट कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे ओ।